वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू एलकेओ बाइकर्स। तो आज हमारे सामने है डोमिनर 250। बहुत ही टाइम के बाद लखनऊ में मेरे ख्याल से विकास भाई हैं, वहाँ देख सकते हैं। इनकी वजह से मुझे जो है रिव्यू करने को मिल रहा है जीपीएस। अगर आप लखनऊ से हैं तो कैंपल रोड वाले जीपीएस में आके आप ले सकते हैं, यहाँ अवेलेबल है बाइक। तो पहले आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ, क्या मेजर चेंजेस दिए गए हैं विद नेकेड आइज। तो सबसे पहले इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी पतला कर दिया गया है सस्पेंशन वही, बस उसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और एक चीज़ और, इसमें 250 सीसी में मैं देखना चाहूँगा दोनों साइड जो है एबीएस दे रखा है, प्लस इसमें जो है फ्रंट साइज़ डिस्क कुछ भी नहीं चेंज किया गया, 300 mm का डिस्क साइज़ है, प्लस सेम नीचे यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, हर चीज़ मुझे सेम दिख रही है। जो 400 है वैसे ही पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे इन्होंने 400 सीसी में गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया है तो इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, बाकी लाइट वगैरह पासिंग हर चीज़ पूरा सेम दिया है। यहाँ पे एबीएस का जैसे डुअल चैनल एबीएस है, साइड स्टैंड पूरा सेम दिया हुआ है। यहाँ पे दो दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं, जैसे अपनी 400 लेटेस्ट में है, टैंक बैग पे ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे 250 की ब्रांडिंग दी भी है, ये एक नई चीज़ यहाँ पे लगी, डोमिनर का डी का लोगो दिया है, प्लस यहाँ पे एक नई चीज़ दी है, रिफ्लेक्टर बोथ साइड दिया है, सारी गार्ड का थोड़ा सा लुक चेंज किया गया है। प्लस इसमें जो है एक चीज़ मुझे जो लगी, जैसे टायर का साइज़ आप देख सकते हैं यूरो ग्रिप है, और टायर का साइज़ है 130/70/17 बैक का है, और फ्रंट का टायर साइज़ है यूरो ग्रिप ये भी है 180/17। तो ये टायर का साइज़ इसमें मेजर दिया हुआ है। तो चलिए, अब बहुत ही मेरे हाथ तड़पड़ा रहे हैं कि जो है मैं इसकी टेस्ट राइड लूँ, तो देखते हैं टेस्ट राइड लेते हैं और आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं। You got me trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. कर दिया गया है, थोड़ा सा मुझे सीन लग रहा है साउंड। एक्चुअली में ये जो इंजन है पूरा डायट ट्यूब 250 जो है पूरा सेम इंजन उतार के दे दिया है इसमें डोमिनर 250 में, हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है और गाड़ी लाइटवेट लग रही है, 400 से 5 किलो कम है, 250 सीसी और 400 सीसी में 5 केजी का फ़र्क रखा है बाइक में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है रेट का इतना डिफरेंस क्यों है। सीसी की वजह से ऑब्वियसली हो सकता है, जो सीसी दिया हुआ है इसका 27 पीएस का पावर है इसमें और 23 nm का टॉर्क दिया हुआ है इसमें। बस मुझे इस बाइक में अगर देखूँगा तो पावर के लिए चेक करते हैं, जैसे 25 का पावर दिया है हॉर्न, तो मुझे हॉर्न की बात करूँगा तो 400 में भी हॉर्न की क्वालिटी से थोड़ा सा इनको फ़र्क देना चाहिए। 250 और 400 सीसी में ये जो हॉर्न आप सुन रहे हैं 400 सीसी और 250 सीसी के हिसाब से नहीं है, ये 100-150 सीसी के हिसाब से इसमें हॉर्न दिया, तो ये चीज़ मुझे बजाज से कंप्लेन करूँगा मैं इसकी कि आप हॉर्न की थोड़ी क्वालिटी थोड़ा लाउड कर दें या चेंज कर दें इसमें कुछ। बाकी प्राइस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो प्राइस पॉइंट इसका है 1.6 एक्सोरूम है और 2 lakh ऑन रोड आता है। अगर आप लखनऊ से हैं तो जेपीएस कैंपल रोड पे जो शोरूम है विकास भाई से आके मिल लीजिए, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर दे दूँगा, आपको बढ़िया डील मिल जाएगी। प्लस जो मैं चला रहा हूँ बाइक को तो मुझे पावर वगैरह मैंने 250 में जो है आपकी ट्यूब 250 चलाई है, ट्यूब 250 और
इसमें जो है मुझे कुछ अंतर नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम वो है, बस थोड़ा वेट का फ़र्क लग रहा है। ऑब्वियसली वेट का फ़र्क तो होगा ही, इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज किया गया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और चल के एक बार इसका विकास भाई हैं उनका भी मैं आपको डिटेल दे दूँगा, वो थोड़ी और स्पेसिफिकेशन आपको बता देंगे। टर्न करते टाइम जैसे डोमिनर 400 में थोड़ा सा मुझे हार्डनेस लगती थी, इसमें सॉफ्टनेस है, थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेड किया है इसको। और टर्निंग में कुछ पता नहीं चल रहा है वेट वगैरह, जबकि पीछे मेरे विकास भैया बैठे हुए हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गाड़ी स्मूथ बहुत ज़्यादा करती है, ऑब्वियसली गियर सिक्स इंजन है तो स्मूथ तो होगा ही। माइलेज के बारे में बात करेंगे तो कंपनी क्लेम कर रही है 35 से 40 का माइलेज इसका आएगा। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी। तो मैंने इसका टेस्ट राइड लिया, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी, और एक बार मैं बोलूँगा अगर 250 सीसी में अगर आप ड्यूक लेने जा रहे हो तो उसको ये बाइक रिप्लेस कर सकती है बहुत सारे पॉइंट्स में। पावर के बारे में बात करूँगा तो पावर के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, पावर ड्यूक का इनिशियल पिकअप काफ़ी ज़्यादा है इससे। और अगर रेट और कंफर्ट लेवल के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप 400 लेने जा रहे हैं और आपको हैवी लग रही है, थोड़ा वेटेड लग रही है, तो अगर आप डोमिनर को चाहते हैं तो आप ये डोमिनर 250 आप ले सकते हैं। रेट के हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो 250 आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिए हैं, खाली सीसी का फ़र्क है और कुछ इसमें चेंजेस नहीं दिए, हल्का सा टायर का साइज़ थोड़ा कम कर दिया है, बाकी ऑल ओवर। प्लस आपको माइलेज इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा, 35 से 40 माइलेज मिल जाएगा। और अगर आपको लखनऊ से हैं तो विकास भैया का मैं नंबर डाल दूँगा, विकास भैया का नंबर आप ले लीजिए और आपको बढ़िया डील मिल जाएगी। और कलर्स इसमें कितने आ रहे हैं अभी? तो फिलहाल यही है ब्लैक वाला, बाकी इसमें दूसरा भी आना जो सवाना ग्रीन है वो भी इसमें आएगा, ग्रीन कलर। तो इसमें दो कलर अभी अवेलेबल है, अभी तो फिलवक्त यही आया है, ग्रीन कलर बता रहे हैं वो भी अवेलेबल हो जाएगा। आप बुकिंग करा सकते हैं, अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आपने बाइक देखी ली है, मुझे काफ़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आया, और ओवरऑल लुक आप लोगों ने देख ही लिया है। सो गाइज, ये था छोटी सी एक डोमिनर का रिव्यू 250 का। तो मैंने अपने हिसाब से आपको दिखाया कि बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्लस ऑल द डिटेल्स रिव्यू के साथ टेस्ट राइड आपको मिल गई। मैंने पहले बताया था आपको टेस्ट राइड के साथ एक वीडियो आएगी, तो ये है वो वीडियो। अनलॉक 1 हो गया है, आप लोग घर से बाहर जब ही निकलिए, जब आपके पास मास्क हो और सबसे इम्पोर्टेंट काम हो, और हेलमेट लगा के ज़रूर निकलिए, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है तो निकलिए, वरना ऐसे मत निकलिए। स्टे सेफ, स्टे होम, और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, फॉलो कर सकते हैं उस पर जाके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रही होगी, वहाँ भी जाके फॉलो करते हुए। सेम प्रोसेस फेसबुक के लिए, फेसबुक की भी आईडी आ रही है, उस पर फॉलो कर सकते हैं, और नीचे लिंक होगा उस पर जाके आप जो है डायरेक्टली आप चैनल पे जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू? अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नए व्यूअर हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिए चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।